वल्लभ गिरि वरधारी गोपी जन भंजन गिरि वरधारी गोपी जन वल्लभ गिरि वरधारी गोपी जन वल्लभ गिरि वरधारी यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन प्रांजन यशोदानंदन ब्रज जन प्रांजन यशोदानंदन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल जय जय यशोदा दुलाल गोपाल 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 जय जय यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल जय जय यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल 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 गोपाल
गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल जय जय गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा तुलार गिरिवर तारी गोपाल जय जय नंद यशोदा तुलार गिरिवर तारी गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे सब लोग आइए हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे ऐ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की शील प्रभुपाद की श्री राधा माधव की श्री महा प्रभु की सिताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मेरे पीछे पीछे बोलिए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्री राधा माधव की श्री प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री प्रभुपाद की हिताय गौ प्रेमानंदे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रतिस्थापित इस 7 दिवसीय भागवत कथा के 3रे दिन में भागवत कथा अनुरागी उपस्थित समस्त भक्त जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। परम सौभाग्य से विभूषित आज हम सब बाबा भोलेनाथ बैद्यनाथ महादेव के चरण आश्रम में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। गत सत्र में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से देवी उत्तरा
भगवान के पास दौड़ते हुए पाही माम करते हुए आए। भगवान ने पूछा, उत्तरा क्या हुआ, क्यों दौड़े हुए आ रहे हो? उत्तरा ने बताया कि प्रभु, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अश्वत्थामा ने पांच ब्रह्मास्त्र पांच पांडवों के ऊपर छोड़े, एक ब्रह्मास्त्र देवी उत्तरा के गर्भ के ऊपर, जहां अभिमन्यु कांस परीक्षित महाराज बल रहे थे। पांडव तो भगवान जा रहे ये सोचकर उस अवस्था में दुखी थे, बड़े अपरिहार विपदा थी उनके ऊपर। और ये अपरिहार विपदा क्या थी कि भगवान आज जा रहे हैं, वो बहुत ही व्याकुल थे, वो बहुत तड़प रहे थे कि भगवान आज जा रहे हैं। और इस दुख में वो अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे, कृष्ण भक्ति से शराबोर थे। पांडवों का मन या चित कृष्ण के अलावे कहीं नहीं था। भगवान के भावी विरह से वे जर जर रो रहे थे। भगवान अब जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी विपदा उनके लिए थी। ये सही है। उस दशा में जब पांच वान ब्रह्मास्त्र इस पांडवों के ऊपर आया, तो भगवान ने अपने सुदर्शन से उनकी रक्षा कर ली। पांडव कोई प्रार्थना की नहीं किए भगवान से। पांडवों ने देखा पांच बाण आ रहे हैं, पांडव पांच बाण लेके खड़े हो गए, लेकिन ये नौ कोई साधारण बाण नहीं, ब्रह्मास्त्र था। और ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मास्त्र से ही संभव है, और किसी दूसरे अस्त्र शस्त्र से ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार संभव। उस दशा में भगवान ने अपने सुदर्शन से उनकी रक्षा कर ली। पांडव कोई प्रार्थना नहीं की भगवान से रक्षा के लिए, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, इतना उनका स्नेह है अपने भक्तों के प्रति कि जब भी उनके भक्त के ऊपर विपदा आती है तो भगवान उनकी रक्षा कर ले। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त का पतन मैं किसी भी दशा में नहीं होने देता हूं। कोई भी कंडीशन हो, यदि भगवान के भक्त का पतन हो रहा है तो वहां पे भगवान क्या करते हैं? और भगवान ये आस नहीं रखते हैं कि ये मुझे बोले आएगा, बोलेगा भगवान बचाओ बचाओ ब्रह्मास्त्र आ रहा है, भगवान बचा लेते हैं। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे से प्रार्थना की अपेक्षा नहीं करती कि मेरा बेटा बुलाएगा तब मैं जाकर अपने बेटे की रक्षा करूंगी, भगवान उसी प्रकार से बिना प्रतीक्षा किए। तो यहां पर भगवान ऐसे ही नहीं सोचे कि ये मुझे पुकारे तब मैं इसकी रक्षा करूंगा, भगवान तुरंत उनकी रक्षा कर ली बिना बोले। यही है भगवान की, यही है कृष्ण की विशेषता। भगवान कभी अपेक्षा नहीं करते कि पुकारे मुझे। भगवान बहुत पहले की गई थोड़ी सी भक्ति को भी याद रखते हैं, ये उनका स्वभाव है। और हमारा स्वभाव क्या है? आज करे कल भूल जाएंगे, ये हमारी दशा है। लेकिन भगवान को आप कुछ भी पूर्व जन्म में भी किए हैं तो भगवान उसको याद रखते हैं। यानी कोई देवी देवता और है तो उनके पास ऐसी सिचुएशन नहीं है, आप उन्हें जाके बोलेंगे तभी वो स्वीकार करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण क्या ये बिना बोले समझ जाते हैं, भाव के भूखे भगवान। कई उदाहरण है अन्य शास्त्रों में, जैसे गजेंद्र जी महाराज जो पूर्व जन्म में की गई थोड़ी सी भक्ति को भगवान ने याद रखा और इस जन्म में रक्षा कर ली। मुस्कुंद महाराज, भगवान कई जन्म पहले की गई भक्ति को भी याद रखते हैं भगवान। भगवान थोड़े से
राई को बढ़ा करके देखते हैं। यदि हम भगवान को एक राई एक सरसों के बराबर भी प्रेम करते हैं ना, तो भगवान उसे सुमेरु पर्वत के देखते हैं। कितना अच्छा है ये भगवान की मेहनत। थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं यदि हम भगवान, तो उसे बहुत समझते हैं और उसके बदले भगवान हमें बहुत प्रेम करते हैं, जिसकी हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते, अनएक्सपेक्टेड, जिसका मतलब कोई आस ही नहीं करते, हम समझ ही नहीं सकते कि भगवान इतना प्रेम कर सकते हैं, इतना प्रेम करते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने ऑफिस अपने बिजनेस में इतना व्यस्त हैं, बस अपनी बीवी बच्चों के प्रेम में फंसे, भगवान से प्रेम करने का फुर्सत ही नहीं। जिनसे मेरा जन्मों जन्मों का नाता है उनके लिए मैं फुर्सत नहीं। और ये जो 10-20 साल हमारे साथ रहने वाले हमारे पुत्र पुत्री पति पत्नी प्रेम देखिए, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता, जी ही नहीं सकता मैं। और भगवान है जो तुम्हारे हृदय में, उसके लिए कुछ भी। आप इस संसार में किसी से कितनों भी प्रेम कीजिए, सब कुछ कीजिए, सब कुछ अपना उसे दे दीजिए, और एक दिन ना कीजिए तो बोलेगा ये मेरे लिए क्या किया इसने, कुछ भी नहीं किया। यहां पर पांडव भगवान से नहीं बोले कि हमारी रक्षा करो, लेकिन भगवान अपने सुदर्शन से उनकी रक्षा कर। कोई जरूरत नहीं कि हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहें, प्रेम करें रक्षा तो स्वयं कर लेंगे। और ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिससे प्रेम कर रहे हैं वो सभी गुणों से पूर्ण है, और इस दुनिया में कोई सभी गुणों से पूर्ण नहीं, कोई भी हो, कोई देवी देवता नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण पूर्ण, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। और आप किन्हीं के पास भी जाएंगे तो आप उनको उतने इतना जल्दी प्रसन्न नहीं कर सकते। अब कहीं भी प्रयास कर लीजिए, भगवान के सिवा और कोई पूर्ण है ही नहीं, सब में कोई ना कोई कमी है। इसलिए तो वेदों में कहा गया क्या, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्म पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कौन पूर्ण है, भगवान पूर्ण है और कोई पूर्ण नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्म पूर्णमुदच्यते। लोग कहते हैं कि अरे कामना लेके क्यों जाते हो भगवान के पास, कामना लेके मत जाओ, कुछ भी मत रखो भगवान के पास जाते जाओ, ऐसा कहते लोग, कुछ मत रखो अपने हृदय में भगवान के पास जाओ। अरे रखो ना, जितनी कामना रखनी है सब रखो, गाड़ी चाहिए बंगला चाहिए जो चाहिए सब रख के, लेकिन भगवान के पास जाओ तो चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमारे हृदय से सब निकलेगा तभी हम भगवान के पास जाए, हमें भगवान के पास जाना है, किसी भी सिचुएशन में जाए भगवान के पास जाना है। अद्भुत रूप है भगवान के पास, अद्भुत धन धन चाहिए भगवान के पास जाइए, बल चाहिए भगवान के पास जाइए, जो चीज चाहिए भगवान के पास जाइए, जो कामना रखना है मन में रखे जाइए। सुदामा जी भगवान के पास गए, धन मन में ऐसी थोड़ी सी कामना थी, धन उनके अंदर नहीं थी, उनकी पत्नी के अंदर थी, क्या चाहिए धन चाहिए। अद्भुत रूप है भगवान का, अद्भुत। सुदामा जी भगवान के पास गए लेकिन संकोच से कुछ मांगे नहीं, और ऐसे वेशभूषा में गए कि उनको लज्जा आ रही थी, जूते नहीं पहने थे, पांव की एड़ी फटी हुई, वर्णन आया है भागवत में पांव फटी हुई थी,
धोती सैकड़ों जगह पर फटी हुई थी और एक छोटे से पोटली में चिवड़ा, चिवड़ा होता है ना, छुड़ा ही बोलते ना उसको, वही लेके गए थे भगवान के लिए। बाजू में दबा करके ऐसे करके लेके गए, वो भी एक सड़ी हुई धोती में जिसमें थोड़ा सा प्रेशर पड़े तो टूट जाएगा। गए किसी तरह संभाल के गए, तू भगवान लाए पानी थाली में और पांव धोने लगे सुदामा का। एक कवि ने तो यहां तक कह दिया, पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने क्या किया, परात के पानी को हाथ से नहीं छुआ, परात में पानी आया सुधामा के चरणों को धोने के लिए, भगवान ने उस पानी को नहीं छुआ। भगवान ने क्या किया, नैनन के जल से ही पग धोए। मित्र इतनी देर कर दिया ने, इतना देर लग गया तुम्हें मुझसे मिलने में, आंखों की अश्रु धारा से भगवान ने सुदामा के चरण धो दिए। रुक्मणी जी बड़ी आश्चर्य में थी, जो साक्षात लक्ष्मी देवी है आज सुदामा को चामर डुला रहे हैं, जो लक्ष्मी देवी है आज वो सुदामा को चामर डुला रहे। द्वारकाधीश जो अनंत अनंत ब्रह्मांड के अधिपति, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण आज एक ब्राह्मण की इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। ये है भक्तों वास्तव में ब्राह्मण का स्थान। ब्राह्मण सदैव पूजनीय है, ये हमारी परंपरा है, भारतवर्ष की ये परंपरा है कि ब्राह्मण हर एक समय कोई भी कंडीशन में ब्राह्मण पूजनीय है। अरे जब उनकी सेवा साक्षात भगवान करते हैं तो हम कौन है भाई, हम कौन है, हमारे क्या औकात भगवान के सामने कि हम कुछ बोले ब्राह्मण के रूप से। आज लोग टीका करते हैं, खुद अपनी स्थिति नहीं देखते, ब्राह्मण के ऊपर टीका करते हैं कि ब्राह्मण बिजनेस करने लगा है। और जो लोग बोल रहे हैं वो अपना नहीं देखते कि मुझे क्या करना चाहिए ब्राह्मण को लिए। जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो ब्राह्मणों की जिम्मेवारी, उनकी पोषण, उनको दान दक्षिणा देने की जिम्मेवारी क्षत्रिय और वैश्य को सौंपा। लेकिन आज क्षत्रिय और वैश्य क्या ब्राह्मण का देखरेख कर रहे, कहां जाएंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण का जिम्मेवारी है उन्हें कि उन्हें तुम्हें पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। हजारों हजारों गायों का दान, स्वर्ण मुद्राओं का दान, लेकिन आज ये क्षत्रिय और वैश्य क्या कर रहे हैं, अपने चोली भरने में लगे हुए हैं, अपने अलमीरा में पैसे रखेंगे। ब्राह्मण आ गए तो बस दो चार रुपए लेके चले जाओ। जिनके ऊपर तुम्हारी जिम्मेवारी है कि इन्हें तुम्हारी तुम्हें उनकी रक्षा करनी है, आज उनके ऊपर टीका करते ऐसे लोग, ये बहुत ही गलत है भक्तों। ब्राह्मण हर एक कंडीशन में पूजनीय है। पांव धोए, अब भगवान सुदामा जी के साथ हंसी करते हुए पूछते हैं, और मित्र कैसे हो, कैसे आना हुआ, भाभी कैसी है, बाल बच्चे कैसे हैं। अच्छा तुम एक बात बताओ, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी तो बड़े चिंतित में थे, भेजा तो है लेकिन वही सूखा हुआ चूड़ा, ये दे दूंगा इसके इनके मसूड़े छिल जाएंगे। तो सुदामा जी क्या है वो छिपाने लगे, पीछे घसने लगे, कुछ बोल नहीं रहे। बोले नहीं नहीं हो ही नहीं सकता, मेरी भाभी मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ तो भेजी ही होगी। सुदामा जी कहने नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं कुछ नहीं, ये क्या है जो तुम छुपा रहे हो बाजू में दोबारा। बोले कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तब तो भगवान ने छीन लिया। जैसे ही पोटली में हाथ गई मैंने बोला, वो वस्त्र जर्जर अवस्था में था, वो वस्त्र जर्जर अवस्था में, जैसे ही भगवान ने उसको पकड़ा वो चिवड़ा जो था फर्श के ऊपर फैल गया, गिर गया चिवड़ा। लेकिन भगवान ने क्या किया, उस फर्श के ऊपर से इकट्ठा करके खाना चालू कर दिया उस चिवड़े को। रुक्मणी जी ने रोका कि भगवान महाराज जी क्या कर रहे हो आप, प्रभु ये क्या कर रहे हो, आपके दांत कच्चे हो जाएंगे, मसूड़े छिल जाएंगे। लेकिन फिर भी भगवान दो मुट्ठी
चूड़ा खा लिए। खा करके कहते हैं कि मैंने वृंदावन में बहुत सारे माखन मिश्री खाया, बहुत जगह खाया, लेकिन इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक मैंने नहीं खाया। अब सूखा हुआ चूड़ा खाएंगे? अच्छा ही नहीं लगता। अबे भगवान दो मुट्ठी चूड़ा खाए। दोनों मित्र के बीच में बहुत सुंदर संवाद हुआ। हंसी ठिठोली हुई, विदा हुई। सुदामा जी जा रहे, सुदामा जी जा रहे हैं। भगवान शर्म से कुछ कह नहीं रहे। क्या शर्म थी भगवान को? मित्र जा रहा है, हम तो कहते सी यू सून, मिलते फिर से। भगवान कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप खड़े हैं भगवान। अभी भगवान कुछ नहीं कह रहे कि मैं आपको कुछ दे रहा हूं, कुछ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि भगवान विचार कर रहे थे कि इस बिचारे की जितनी शक्ति है, अपनी पूरी शक्ति लगा के ये मेरे पास चूड़ा लेके आया था। वो चूड़ा भी क्या उधार मांग के, बच्चे कर को भी नहीं देकर के ये मेरे पास लेकर आया था। मतलब इनके पास जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति उसने उस चूड़े में निहित कर दी मुझे लाने के लिए। लेकिन मैं तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर दे नहीं रहा हूं। यदि मैं पूरी शक्ति लगाकर इसे दूं तो पूरा ब्रह्मांड मुझे इनको दान में दे देना चाहिए कि मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास कितनी शक्ति है, ये जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है मैं इनको दान में दे दूं, मेरे पास इतना शक्ति है। लेकिन मैं इनको तो कुछ नहीं दे रहा हूं, इतना तो दे नहीं रहा हूं। मैं क्या दे रहा हूं, भगवान क्या दे रहे? द्वारिका जैसा एक नगर दे रहा हूं, छोटा सा नगर दे रहा हूं, इतना ही दे रहे हैं। भगवान सोच रहे कि कुछ धन भी नहीं दिया, कुछ नहीं दे रहा, इस शर्म के मारे नहीं बोल रहे। देखिए ये भगवान क्या दे दिया, तो द्वारिका जैसी एक नगरी, फिर भी बोल रहे कि कुछ नहीं दिया, शर्म लग रहा है। क्योंकि सुदामा ने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया था, जो भी उसके पास था। भगवान सोच रहे थे कि मैं कुछ धन नहीं दे रहा हूं, और इधर सुदामा जी जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि अच्छा किया कृष्ण ने हमको कुछ नहीं दिया, शायद मैं बिगड़ जाता, धन पाकर इंद्र तृप्ति में लग जाता। सुदामा जी ये सोचते हुए जा रहे हैं। भगवान संकोच के सामने, संकोच से सामने नहीं जा रहे हैं, और भगवान ने उन्हें दे दिया। क्या दिया? द्वारिका जैसी अगरी नगरी, लेकिन बोला नहीं। ये भगवान का स्वभाव है। दिया क्या है? द्वारिका जैसी स्वर्ण की नगरी, लेकिन बोल नहीं रहे। ये भगवान का स्वभाव है। उनके शरण में जो गया उनको सब तरह से सहायता की। कई उदाहरण है भगवान ने किसी किस तरह से रक्षा करते हैं, इसके कई उदाहरण है। पांडवों की रक्षा भगवान ने किया। शास्त्र में आया कि पांडवों की रक्षा भगवान ऐसे करते थे, ऐसे करते थे जैसे आंखों की रक्षा ये पलकें करती है। कोई धूल, कोई कंकड़, कोई सुई हमारे आंख के पीछे सामने लाए तो ये पलक क्या होता है, पहले गिर जाती है और आंखों की रक्षा हो जाती है। वैसे ही पांडवों के ऊपर कोई विपदा आए इससे पहले क्या होता है, भगवान सामने आ जाते हैं पलक की तरह। ये श्रीमद् भागवत में लिखा गया है। तो उनके ऊपर अनेक विपदा आई, ब्रह्मास्त्र आया, लेकिन भगवान ने उसे सुदर्शन से निष्क्रिय कर दिया और पांचों ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय कर दिया। और तुरंत उत्तरा की प्रार्थना को सुनकर कृष्ण रथ पर बैठे थे। बाहर से उत्तरा की रक्षा किए, तुरंत उत्तरा की प्रार्थना को सुनकर कृष्ण रथ पर बैठे थे, बाहर से भी रक्षा किए और सूक्ष्म रूप धारण करके कृष्ण उत्तरा के गर्भ में चले गए।
एक हाथ में गदा एक हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ के चारों तरफ घूम घूम कर गदा घुमाते हुए और वहां पर फिर ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिया भगवान। गर्भ में महाराज परीक्षित को भगवान ने रक्षा कर और यहीं पर गर्भ में महाराज परीक्षित ने कृष्ण को प्रथम बार देखा और उनको भुला नहीं पाए उस जीवन को। मैं बोला भगवान की इतनी अद्भुत छवि है जैसे शास्त्रों में वर्णन आया, इतनी अद्भुत छवि है कि उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अचिंत्य है भगवान। कैसे हैं अचिंत्य? ये हमारे छोटे से दिमाग में भगवान नहीं आएंगे। अब देखिए भगवान का विग्रह का फोटो है जो हमने यहां लगाया श्री राधा माधव। ये जो फोटो बनाया गया है ये इतना सुंदर है तो भगवान कितना सुंदर होंगे, उनकी सुंदरता का कोई व्याख्या नहीं कर सकता। तो परीक्षित महाराज उनको जीवन भर कभी भूले नहीं, हमेशा परीक्षण करते रहते थे जब बाहर निकले कि वे कौन है जो मेरा अंदर रक्षा किए थे। इसलिए ब्राह्मणों ने उनका नाम परीक्षित रख दिया। हमेशा उचित वो छवि चढ़ी रहती थी। जीवन के शुरू में ही परीक्षित महाराज ने कृष्ण को गर्भ में देखे थे। यह है भगवान का स्नेह। उत्तरा के गर्भ में जाकर महाराज परीक्षित की रक्षा किए। चाहते तो संकल्प मात्र से भगवान रक्षा कर सकते थे, ये जरूरी था कि भगवान अंदर जाए। अरे जो भगवान खाली अपने पलक बंद करते तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। तो भगवान को ये जरूरी था कि वो चक्र और गदा लेकर जाए वहां पे अंदर। वो भी दो दो अस्त्र, चक्र भी लेके गए गदा भी लेके गए। किसी ने प्रश्न उठा दिया कि अरे भगवान दो दो आयुध लेकर क्यों गए अंदर? जो भगवान सिर्फ आंख बंद करते ही करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है, ऐसे भगवान दो दो अस्त्र लेके गए क्यों? तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक अस्त्र काफी था। एक अस्त्र काफी क्या? भगवान संकल्प से ही छोड़ सकते, उसकी रक्षा कर सकते थे। लेकिन फिर भगवान दो अस्त्र क्यों लेकर गए? भगवान ने सोचा कि यदि उस ब्रह्मास्त्र के सामने, ब्रह्मास्त्र को फेल करने में यदि मेरा गदा विफल हो गया तो चक्र से काम बना लूंगा लेकिन रक्षा अवश्य करूंगा। ये भगवान का प्रेम। भगवान ने यह दिखाया कि मैं मेरे भक्त की रक्षा करने में कितना तत्पर हूं, मेरे भक्ति की रक्षा करने में मैं कितना आदर्श हूं। भगवान ने एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, महाराज ये बीरबल आपके भगवान खुद अवतार क्यों लेते? ये बार बार अपने किसी शक्ति को भेज देते, वे सब कुछ कर सकते थे, फिर अवतार क्यों लिए? बीरबल बोले ठीक है महाराज, मैं आपको बाद में उत्तर दूंगा। ये कह के बीरबल वहां से चल दिए और अकबर का एक छोटा पुत्र था। जितने बड़े बड़ा उसका पुत्र था उतना बड़ा ही उन्होंने एक काठ की मूर्ति बनवाई। अकबर को कहा कि चलिए महाराज आज हम लोग नौका विहार पे चलते हैं। तो ये दोनों नौका विहार पे चले, नौका में बैठे हैं अकबर, बैठे हैं बीरबल, बैठे हैं नाविक, नाव चला रहा है, सैनिक हैं, सेनापति है महाराज, बीरबल का नौका विहार है, क्षमा कीजिए अकबर का क्षमा भी नौका विहार है। अब बीरबल क्या किए? उनको बच्चे को गोद में ले लिए, जो उनका बच्चा था छोटा उनको गोद में ले लिए और वो ओरिजिनल बच्चा नहीं जो काठ की मूर्ति बनवाई थी उसको गोद में ले लिया। बीरबल उसको खिला रहे थे, ऐसा लग रहा था अकबर को कि ये इसको खिला रहा है मेरे बच्चे को, ढक के चद्दर में लपेट के। और चलते चलते बीरबल ने ऐसा नाटक किया कि वो बच्चा यमुना में गिर गया। जानबूझकर बीरबल जी ने उस बच्चे को यमुना में गिरा दिया और जैसे ही गिरा अकबर तुरंत उस बच्चे के पीछे यमुना में कूद पड़े बच्चे को बचाने के लिए। और उसे निकाला तो पता चला कि तो काठ की मूर्ति है। बीरबल पूछे महाराज आप क्यों खुद पड़े? बोले अरे मुझे लगा मेरा बच्चा है, मेरा इतना प्रेम है इसके प्रति, मुझे कूदना ही पड़ा, कुछ हो जाता मेरे बच्चे को तो। बीरबल जी बोले यही स्वभाव हमारे भगवान का है,
वो अपने भक्तों के अवतार के लिए खुद आ जाते हैं, स्नेहवश, दूसरी पर भरोसा नहीं करते हमारे भगवान, वो हमारे अपने भक्तों की रक्षा के लिए खुद आ जाते हैं। भगवान का इतना स्नेह। तो भगवान उत्तरा के गर्भ में गए, यह प्रसंग जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। श्रील प्रभुपाद लगातार इस प्रसंग के ऊपर 22 दिन तक कथा किए थे। इस प्रसंग के ऊपर इस प्रकार कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और सब लोगों ने देखा। जब देवी कुंती ने, पांडवों की माता देवी कुंती जो सती साध्वी नारी थी, राजा पांडु के पत्नी थी, कुंती ने जब देखा कि कृष्ण ने इतना अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, देवी कुंती नहीं रह पाई और दौड़कर कृष्ण के पास गई और कृष्ण को स्तुति करने लगी। देखिए, भागवत के प्रारंभ में ही माता कुंती के द्वारा की गई स्तुति का वर्णन है। वैसे भागवत में बहुत सारी स्तुतियां हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति, कलिया नाग के पत्नियों के द्वारा स्तुति, शिव जी के द्वारा स्तुति, वित्रासुर की स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति, अनेक स्तुतियां हैं। लेकिन उन स्तुतियों में सबसे प्रथम वेद व्यास मुनि ने देवी कुंती की स्तुति को रखा। अद्भुत स्तुति है, श्रेष्ठ स्तुति है। इतनी इस स्तुति में ज्ञान भी है और भाव भी है। देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण का स्तुति करने लगी और स्तुति करते हुए कहती है क्या, नमस्ते पुरुषम त्वात्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंत बही अवस्थितम। देवी कुंती भगवान को स्तुति करते हुए कहती, नमस्ते, सर्वप्रथम नमस्कार कर रही है। नमस्ते देवी कुंती भगवान को स्तुति कर रही है। नमस्ते प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द में कहती है नमः। सर्वप्रथम देवी कुंती भगवान को नमस्कार करती, नमस्कार करके मैं बताया कि जब भी भगवान हमको मिले या हम भगवान के दर्शन के लिए जाएं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, हमें भगवान को नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए सर्वप्रथम, क्योंकि प्रणाम करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमन तम नमामि हरि परम। जगत के दुखों से यदि मुक्त होना चाहते हो तो प्रणाम करो, प्रणामो दुख शमनम। प्रणाम करने मात्र से दुखों से शमन हो जाएगा, सारे दुख शांत हो जाएंगे। इसलिए प्रतिदिन भगवान को प्रणाम करना चाहिए, बार बार प्रणाम करना चाहिए। और हमारे गौड़ी धारा में तो ऐसे ऐसे संत हुए जिनका नियम था कि प्रतिदिन घी मिलकर भगवान को 1000 बार प्रणाम करेंगे तब सोएंगे। 1000 बार प्रणाम करके सनातन गोस्वामी भगवान को प्रणाम करके सोते थे। भगवान को प्रणाम करें। गोपियां गोपी गीत में कहती है, अनंत अनंत जन्मों से पाप करता हुआ ये जीव एक बार भी कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर देता है ना, भगवान उसके सारे पाप खींच लेते, नष्ट कर देते हैं। प्रणाम करने वाले व्यक्ति की भगवान सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। और वेद व्यास जी ने तो महाभारत में कह दिया कि 10 अश्वमेध यज्ञ करो और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में एक बार प्रणाम करो, ये दोनों का फल एक है। लेकिन फिर भी वेद व्यास जी का जो मन था वो भरा नहीं, ये बोल के कि 10 अश्वमेध यज्ञ करो या फिर भगवान के चरणों में एक बार प्रणाम करो। आगे लिखते हैं, 10 अश्वमेधी पुरनेति जन्म। फिर भी जो 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला है इस भौतिक संसार में पुनः जन्म होगा,
लेकिन एक बार भी कृष्ण के चरणों में जो प्रणाम करता है, कृष्ण प्रणाम ही न पूर्ण भवाया, कृष्ण के चरणों में एक बार प्रणाम कर लिया वह फिर भी इस संसार में नहीं आता। यह है भगवान के चरणों में प्रणाम करने का। इसलिए जीवन में नियम होना चाहिए, जब उठेंगे भगवान के मंदिर में आके प्रणाम करेंगे, सोएंगे मंदिर के आप सामने प्रणाम करके सोएंगे, बाहर जाना है प्रणाम करेंगे, कथा पंडाल में आएंगे सर्वप्रथम आके मंदिर के सामने प्रणाम करेंगे, फिर कथा में बैठेंगे, जाएंगे मंदिर में प्रणाम करेंगे, जाएंगे जितना बार प्रणाम कर सके। जो ऐसे प्रणाम करते हैं उसे सदा सदा के लिए भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर जाता है। देवी कुंती स्तुति का प्रथम शब्द है नमः। यह नमः शब्द के ऊपर पूरा एक भागवत सप्ताह किया जा सकता है। इस नमः शब्द के ऊपर, देवी कुंती के श्लोक के प्रथम शब्द के ऊपर पूरी भागवत सप्ताह की जा सकते हैं। नमः, नमस्कार करें और भगवान कृष्ण को प्रणाम करने से सब कुछ दे देते हैं भगवान। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं ना तो भगवान सब कुछ दे देते हैं। उनके पास जो कुछ भी, उन्हें लगता है कितना अच्छा आदमी है यार ये तो, कितना सुंदर आदमी है। इतिहास खोल के आप देख लीजिए, जब सीता को ढूंढते ढूंढते भगवान समुद्र तट पर गए और जब भगवान वहां रुके तो दूसरी ओर विभीषण ने रावण को मनाने का बहुत प्रयास किया, ये माने नहीं, उल्टे विभीषण जी को लात मार कर निकाल दिया। विभीषण जी भगवान रामचंद्र के पास गए, भगवान अपने कुटिया में बैठे थे। कहां बैठे थे? कुटिया में। उस समय वानरों ने, रिच भालू ये सब मिलकर भगवान के पास खबर देने लगे कि प्रभु रावण का भाई आया आपको, तो उसे रास्ते में टपका दे, मार दे उसे रास्ते में। भगवान ने बोला नहीं नहीं, मारने की जरूरत नहीं है, आया है आने दीजिए, उनके मन में क्या हाल है ये तो जानू। विभीषण का स्वागत किया और विभीषण जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र के पास आए, भगवान ने, क्षमा कीजिए, विभीषण ने तुरंत भगवान को प्रणाम किया। विभीषण ने प्रणाम किया और प्रणाम करते ही भगवान रामचंद्र के मुख से निकल गया, लंकेश आपका स्वागत है। भगवान रामचंद्र के मुख से लंकेश कहने का अर्थ है विभीषण को भगवान ने लंका का राजा घोषित कर दिया। उसी क्षण लंका का राजा घोषित कर दिया, हे लंका के इस, लंका के राजा आपका स्वागत है। मानो भगवान ने, राम ने विभीषण का राज तिलक कर दिया। उस समय हनुमान जी जामवंत आदि कहने लगे कि प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं, आप विभीषण को लंका का राजा बना रहे हैं, अभी तो हमारा युद्ध भी नहीं हुआ, रावण के साथ हमारा युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है, अभी हम लोग जीते भी नहीं और आपने इनको राजा बना दिया। यदि मान लो रावण के साथ युद्ध करते करते हम हार गए तो? भगवान श्री रामचंद्र ने कहा चिंता मत करो, ये रघुकुल है, चिंता मत करो, यदि रावण के साथ युद्ध करते करते मैं हार गया तो इस विभीषण को मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा, लेकिन राजा जरूर बनाऊंगा, ये भगवान की कृपा है। मुझे जो आपको इस प्रसंग से बताना है आप विचार कीजिए, सोने की लंका, रावण जब हजारों यज्ञ किए और जब अपने दसों सर का दान दे दिए उस हवन कुंड में, डाल दिए काट के, तब शिव जी से प्राप्त हुई रावण की उस सोने की लंका। दसों मस्तक के कुंड में डाल देने के बाद रावण को सोने की लंका प्राप्त हुई और वही सोने की लंका विभीषण को मात्र और मात्र भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम करने से प्राप्त हो गई। ये भगवान की कृपा है, ये है भगवान को नमस्कार करने का प्रणाम। प्रणाम का प्रभाव तो नमस्ते पुरुषम, देवी कुंती भगवान को प्रणाम कर रही है। प्रसंग आया इसलिए कह दूं, कुछ लोग तो इतने आलसी होते हैं, इतने आलसी होते हैं कि मंदिर जाते नहीं, प्रणाम करते नहीं, अपने काम धंधे में जाते हुए मंदिर आ गया तो प्रेम से नहीं भय से डर से गाड़ी खड़ा कर देते हैं कि नहीं प्रणाम किया तो ये गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं प्रणाम किया तो बॉस आज बहुत डांटेंगे, नहीं प्रणाम किया तो दिन खराब हो जाएगा भय से, इसलिए तुरंत मारते हैं गाड़ी में ब्रेक, गाड़ी खड़ा कर देते हैं लेकिन गाड़ी से उतरते नहीं,
गाड़ी में ही बैठे बैठे कांच बंद है, एसी चालू है, गाड़ी में ही बैठे बैठे दो तीन बार हॉर्न मारते हैं, चल देते हैं। सोचते बहुत बड़ी भक्ति हो गई यार आज तो, हैं? हमने बहुत बड़ी भक्ति कर दी। निश्चित ऐसे लोग नरक में जाएंगे, निश्चित जाएंगे। और जब यमराज के डंडे पड़ेंगे, जब इनकी धुलाई होगी, तो वहां भी हमारे राधा कृष्ण ऐसे BMW पे आएंगे घूमते घूमते मस्त। ये बोलेगा प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, ये भी भगवान हॉर्न मारेंगे पिक 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 पिक, आता हूं चलता हूं मैं, बस ये गाड़ी हॉर्न वाली भक्ति करेंगे, भगवान भी हमारी ऐसी रक्षा करेंगे गाड़ी हॉर्न वाले। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जैसा भजता है मैं उसको उसी रूप में मिलता हूँ। भगवान को आप BMW में चढ़ के प्रणाम कर रहे हैं तो भगवान भी आपको BMW पे बैठ के आएंगे मिलने के लिए आपसे, जिस भाव में आप भगवान को भज रहे हैं। तो गुस्सों में तुलसीदास जी रामचरित में मनुष्य रामचरित मानस में लिखते हैं, सो सिरकटी संभर तूला जो ना नमत हरी गुरु प्रमूला। जो भगवान के चरणों में गुरु के चरणों में झुकता नहीं उस मस्तक को कटा हुआ समझना चाहिए। और जीव का दुर्भाग्य तो देखिए कि अपना मस्तक हजाम के सामने झुका देते हैं, नाई के सामने झुका देते हैं, सलून में जाकर बिल्कुल नाई जैसे बोलेगा लेफ्ट राइट अप डाउन वैसा करेंगे, अपने पत्नी के सामने उठ तो उठ बैठ तो बैठ मस्तक झुकाते हैं, लेकिन भगवान के सामने मैं भगवान को नहीं मानता, मैं क्यों मानूंगा, मुझे क्या मिला है। एक बार भी भगवान के सामने मस्तक नहीं झुकाते। जो भगवान के सामने मस्तक नहीं झुकाएगा उसे माया के सामने अपने मस्तक को झुकाना ही पड़ेगा। तो इन सारे सिद्धांतों का सार देवी कुंती अपने श्लोक एक शब्द में देती है, क्या? नमस्ते पुरुषम तु माध्यम ईश्वर प्रकृति परम, कहते हैं कृष्ण कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूं। जैसे ही देवी कुंती ने कृष्ण को प्रणाम किया तुरंत कृष्ण खड़े हो गए, बोले माँ माँ ये क्या कर रही हो तुम, अरे आप तो मेरी माँ हो, मैं तो आपका छोटा बालक हूँ, छोटा सा बेटा हूँ। क्योंकि देवी कुंती भगवान के पिता की बहन थी, मतलब भगवान कृष्ण की बुआ थी। तो देवी कुंती सुरसेन की कन्या थी और कृष्ण के पिता वसुदेव भी सुरसेन के पुत्र थे। वसुदेव और कुंती ये दोनों सहोदर भाई बहन थे। और जिस तरह से भगवान अपनी माता को प्रणाम करते थे वैसे ही बिल्कुल देवी कुंती को भी प्रणाम करते थे, अपनी माता को चरणों पर रखकर बिल्कुल पंचांग प्रणाम दंडवत प्रणाम किया करते थे भगवान। और ये आशीर्वाद भी देते थे देवी कुंती, चिरंजीवी भवा खुश रहो। यह नाते कुंती कृष्ण की बुआ है और बुआ का स्थान माँ के समान है, माँ की तरह होती है और बिल्कुल अपनी मां की तरह आदर देते थे भगवान देवी कुंती को। लेकिन जब मां भारत का युद्ध हुआ और जब भगवान बारंबार पांडवों की रक्षा की, जब भगवान ने बार बार पांडवों की रक्षा किया ब्रह्मास्त्र से नारायणास्त्र से अनेक दिव्य अस्त्रों से इनके पुत्रों को बचाया, तो कुंती का एक भाव हो गया कि ये तो ईश्वर है भगवान है, मैं जो इनसे प्रणाम करा रहा था मैं तो बहुत बड़ी गलती करा रहा था। यह ऐश्वर्य भाव देवी कुंती के मन में भर गया। देखिए भगवान कृष्ण को चाहने वाले दो परिकर हैं, दो प्रकार के भक्त हैं, एक व्रज के परिकर और एक द्वारिका के परिकर। ये जो व्रज के परिकर हैं, व्रज के लोगों का जो भाव है उनको कृष्ण चाहे कितना भी ऐश्वर्य दिखाए वे कृष्ण को ईश्वर नहीं मान सकते, वो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं है। इतना अधिक माधुर्य भाव है उनके अंदर, इतना अधिक प्रेम है, इतना प्रियताओं का भाव है कि वो भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र अपना लाला छोड़ के भगवान मानते ही नहीं। और सच कहे तो भगवान को यही पसंद भी है, ये भगवान कहना भगवान को उतना अच्छा नहीं लगता जितना अधिक कोई प्रेम से कि अरे ये तो मेरा लाला है। अभी मान लीजिए आप अपने लाइफ में देखिए किसी स्त्री का पति आया है, अभी पूछे कि कौन आया है, ये मेरा पति आया है, कैसा लगेगा सुनने में उस बेचारे पति को। और यदि कोई कहे कि ये कौन आया, नहीं ये तो मेरा प्रिय पति देव आए हैं,
परमेश्वर क्या बोलते हैं उसको, और भी जो भी बोलते हैं, प्रेम से कोई बोले तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये सिचुएशन है, भगवान को भगवान कहने से उतना खुश नहीं होता जितना उन्हें लाला, मित्र, भाई ये कहने में। कृष्ण मुख में ब्रह्मांड दिखा दिए तो माता यशोदा नहीं मान रही है, ये कोई स्वप्न है, ये भ्रम है, या फिर मेरे लाला को किसी ने जादू टोना कर दिया है। ब्रह्मांड दिखा रहे हैं मुख में, मेरे लाला को जादू कर दिया किसी ने, और वो भगवान को प्रणाम, नारायण को प्रणाम करने लगे कि हे भगवान, हमारे बेटे के मुख में ये क्या कचरा आ गया, आप कृपा कीजिए, हमारे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक कीजिए। कभी माँ यशोदा को ये भाव नहीं हुआ कि ये परम ईश्वर, ये परमात्मा, भगवान के मित्र, भगवान के साथ खेलते हैं, खेल में जीत जाते हैं। कभी कृष्ण को नहीं समझते थे कि ये भगवान है, यही भाव भगवान के सबसे ज्यादा पसंद। श्री कृष्ण को अपना संबंधी समझना, मित्र, बेटा, पति या अन्य कोई छोटा भाव, प्रेम का भाव। देखिए आप, भगवान ने क्या नहीं, भगवान को गोपियों ने क्या नहीं कहा, भगवान को गोपियों ने क्या नहीं कहा, तुम छलिया हो, तुम कपटी हो, तुम बेमान हो, तुम धूर्त हो, ये हो, बदमाश हो। और भगवान जो इन शब्दों को बड़ा प्रेम से सुनते थे, बड़ा ध्यान से सुनते थे। और एक तरफ उनकी स्तुति की जा रही है ब्रह्मा जी, गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामी, भगवान बोले ठीक है हो रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यदि कोई गोपी कुछ बोल रही है तो भगवान कान लगा के सुनते हैं, अरे क्या बोल रही है मेरे बारे में, ये भगवान की। भक्त कहते भी है ना, सो नहीं प्रेम ब्रह्म स्तुति में, ये सो ब्रज की मीठी गाली। ब्रह्मा जी के द्वारा की गए गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी में वो प्रेम नहीं जो उन गोपियों की गाली सुनने में है, क्योंकि वह प्रेम की भाषा। ये हुआ ब्रज के परिकर जो भगवान से प्रेम करते हैं। अब द्वारिका के परिकर कहां, उनका क्या भाव है? द्वारिका के परिकर का भाव, वो भगवान को अपना सखा मानते हैं, अपना भतीजा मानते हैं। जैसे देवी कुंती अपने कृष्ण को अपना भतीजा मान देती है, मेरा भतीजा है। लेकिन भगवान के थोड़े से ऐश्वर्य को देखकर तुरंत माधुरी भाव को भूल गई, और वहां पे भगवान ने पूतना को मार दिया तो बोलते देवी देवताओं की कृपा है कि कृष्ण बच गए, जबकि ये इस बच्चे का कृपा देवी देवताओं के ऊपर है, तो देवी देवता बचे हुए हैं और बोल रहे कि देवी देवता की कृपा हो गई। ये भाव में अंतर है। जैसे अर्जुन भगवान को अपना मित्र मानते थे, लेकिन जब विराट रूप भगवान का देखा तो भगवान का तब बिल्कुल वो कांपने लगे। जब भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो अर्जुन कांपने लगे, बोले मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है देखो। जब अर्जुन देखे भगवान के उन विराट रूप को, वे भूल गए कि मैं कौन हूं। अर्जुन भगवान को पूछने लगे कौन है आप, तब भगवान कहते हैं अर्जुन कालोश्मि, मैं काल हूं। जब विराट रूप देखे तो थर 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 कांपने लगे और लगे भगवान को प्रणाम करने। कहते हे प्रभु, मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूँ, पीछे से प्रणाम करता हूँ, बगल से प्रणाम करता हूँ, दाएं से प्रणाम करता हूँ, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये द्वारिका के परिकर का भाव है। कृष्ण ने कहा बुआ, अब मेरे चरणों में प्रणाम कर रही हो, आप तो मेरी माँ हो, मैं तो आपका छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा। तब देवी कुंती कहती है कृष्ण कृष्ण तुम दिखने में बालक हो, तुम दिखने में बच्चे हो, लेकिन यदि तत्व से देखा जाए तो इस चराचर जगत के, इस पूरे ब्रह्मांड के आप बाप हो, बाप सबके ईश्वर हो आप। दिखने में आप भले बालक लगते हैं, लेकिन आप पूरे जगत के बाप हो। नमस्ते पुरुषम तुम माध्यम, क्योंकि आप सबके क्या हो, आदि हो। आदि का अर्थ होता है हमारे आदि कौन है, हमारे पिता, उनके आदि उनके पिता, उनके आदि उनके पिता। जब ऐसे करते करते जब इंड पे पहुंचेंगे तो पता चला सबका आदि कौन था, कृष्ण। इस संसार के एकमात्र आदि आप हो। नमस्ते पुरुषम तो माध्यम,
और आप ही परम पुरुष हो, इतना ही नहीं आप ईश्वरम, आप साक्षात ईश्वर हो, भगवान हो, परम स्वतंत्र हो, सभी जीवों के कंट्रोलर हो, सभी जीवों के नियंता हो। और ईश्वर होते हुए भी आप इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आए हो, लेकिन मैं जानती हूँ आप इस प्रकृति में प्रवेश तो हुए हो, परंतु प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति आपको स्पर्श नहीं कर पा रही। अर्थात इस प्रकृति में रहते हुए भी आप इस प्रकृति के नियम से परे हो। ईश्वरम प्रकृति पर, ईश्वर जो है, भगवान जो है, इस प्रकृति के नियम से परे। कृष्ण प्रकृति में रहते हैं लेकिन प्रकृति से परे हैं। प्रकृति का नियम है जन्म होना, मरना, बूढ़ा होना, मां से गर्भ लेना, लेकिन ये नियम संसार के जीवों के लिए है, भगवान के लिए कोई नियम नहीं है। भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, वो चाहे तो खंभा फाड़ के भी आ सकते हैं या फिर मां के गर्भ से भी जन्म ले सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करना चाहते हैं। उनका मूड हो गया तो सीधे आकाश से उतर जाएंगे गरुड़ पर सवार होके, नहीं मूड हुआ तो खंभा फाड़ के प्रकट हो जाएंगे, मूड हुआ तो समुद्र से प्रकट हो जाएंगे। तो ये प्रकृति का जो नियम है वो किसके लिए है? हमारे लिए, कृष्ण के लिए नहीं। प्रकृति का नियम है कि हमें रोग होता है, लेकिन कृष्ण को कभी कोई रोग नहीं। आपने कभी सुना गोकुल में भगवान ने ज्यादा माखन खा लिए, पेट खराब हो गया भगवान का, और नंद यशोदा मथुरा के हॉस्पिटल में लेके गए और दो चार ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी? वह कभी सुना ऐसा? ये नियम हमारे लिए है, भगवान के लिए ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कृष्ण का, माते आप क्या मजाक कर रही हो, मैं साधारण लड़का हूं, आप मुझे भगवान बना रही हो। कहती मैं भगवान, अरे यदि होता मैं भगवान तो वैकुंठ में होता, यहां पर क्यों आया? देवी कुंती कहती है, बड़ा सुंदर कहती है, यहां पर आप आए हो लीला करने के लिए। कृष्ण ने कहा ठीक है, यदि मैं भगवान होता, मैं लीला करने के लिए आया हूं, मैं यदि भगवान होता तो सब लोग मुझे देख पाते, सब लोग मुझे जान पाते कि मैं भगवान हूं। फिर शिशुपाल नहीं जान पाया, दुर्योधन को नहीं लगता हूं मैं भगवान हूं, तो ग्वाला बोलता है मुझे। आखिर सब लोग मुझे जान क्यों नहीं पाते, सब लोग मुझे क्यों देख नहीं पाते? बड़ा सुंदर ये प्रसंग है भक्तों, भगवान को सब लोग क्यों नहीं जान पाते? देवी कुंती कहते प्रभु अलक्ष्यम सर्व भूतानाम अंत बहिर अवस्थितम। प्रभु मैं जानती हूं कि आप इस संसार के अंदर भी हो और बाहर भी, जगत के कण कण में ब्रह्म के रूप में हो, जन जन के हृदय में परमात्मा के रूप में, और साकार स्वरूप में आप अपने धाम में विराजमान। वदन्ति तत्तत्वत विदः तत्त्वम यत् ज्ञानम अद्वयम्। ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति शब्द थे। इन तीनों रूपों में आप इस संसार में यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर हो, लेकिन सब जगह पर होते हुए भी संसार के लोग आपको देख नहीं पाते हैं। अलक्ष्यम सर्व भूतानाम, कितना विडंबना है। सोचिए आप, हमारे सबसे निकट यदि कोई तत्व है तो वो है भगवान। कई बार हम कहते हैं ये मेरा बेटा है, बहुत क्लोज है, ये मेरा फ्रेंड है, बहुत क्लोज है, मेरी पत्नी मेरे बहुत क्लोज है, लेकिन सबसे क्लोज कौन है आप जानते हैं? मेरा बेटा बैठेगा तो मेरे गोद में बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है, लेकिन अंदर तो नहीं जा सकता है ना। अंदर जो बैठा हुआ है, सबसे करीब बैठा हुआ है, वो कौन बैठा हुआ? कृष्ण बैठे हैं बिल्कुल नजदीक। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, जो हमारे सबसे नजदीक है वही आज हमने सबसे दूर कर दिया है। सबसे निकट होने पर भी आज हम उनको देख नहीं पा रहे। कृष्ण ने कहा अच्छा, यदि मैं भगवान होता तो लोग मुझे देख पाते, आखिर सब लोग मुझे देख क्यों नहीं पाते माते? तब दूसरे श्लोक में कुंती जवाब देती है, माया जवनिका छन्नम आज्ञादोक्षजम अव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ा दृशा नटो नाट्य धरा था।
इस जगत में भगवान यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर होते हुए भी निकटतम होते हुए भी दिखाई नहीं देते, इसका उत्तर देते हुए देवी कुंती कहते हैं इसका क्या कारण है। कृष्ण दुनिया के लोग माया में फंसे हुए हैं, माया जवनी का अक्षणम, और माया में फंसे होने के कारण आप होते हुए भी लोग देख नहीं पा रहे। माया जो है हमारे सामने पर्दा कर दे रही है, जैसे यहाँ भगवान का मंदिर है, यदि पर्दा लग रहे तो हम भगवान को देख नहीं सकते। हम नजदीक सामने खड़ा है बिल्कुल भगवान को, भगवान के, लेकिन देख सकते भगवान को नहीं देख सकते जब तक वो पर्दा नहीं। भगवान गीता में कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम, हे अर्जुन जो माया से आवृत है ऐसे जीव मुझे देख नहीं पाते, मूर्खो यमुना भी जान आती, और जो मूर्ख है उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि वो मुझे देखेगा और समझेगा। देवी कुंती दृष्टांत देती है माया जवनिका क्षणम, जवनिका का अर्थ होता है पर्दा, जैसे पर्दा लग जाने के बाद मंदिर में खड़े भगवान का विग्रह नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के बीच में माया का पर्दा लगा हुआ है, और ये माया का पर्दा होने के कारण इतने नजदीक होते हुए भी भगवान दिखाई नहीं देते। कुछ लोग कहेंगे तो फिर पुजारी को बुलाओ इस पर्दे को हटवा दो, लेकिन भक्तों इस पर्दे को हटाना आसान है लेकिन माया के पर्दे को हटाना बड़ा कठिन है। कृष्ण गीता में कहते हैं देवी ऋषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, हे अर्जुन ये माया जो है कोई साधारण नहीं है, ये देवी शक्ति है, गुणमयी त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमस, और ऐसी माया से मुक्त होना कठिन नहीं ध्रुव है, माया के पर्दे को हटाना अत्यंत मुश्किल है, लेकिन एक सरल उपाय है। क्या कहते हैं? एक सरल उपाय है। दुनिया के अनेक लोगों ने इस पर्दा को अपने बलबूते से हटाने का प्रयास किया, वो खुद हट गए। इंद्र ने हटाना चाहा, खुद हट गए। ब्रह्मा जी ने हटाना चाहा, खुद हट गए। जो जो लोग अपनी शक्ति से इस माया के पर्दे को हटाना चाहते हैं खुद हट जाते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं इस माया के पर्दे को हटाने का एक आसान तरीका है, सरल तरीका है। क्या है? वैसे तो बहुत मुश्किल है लेकिन एक सरल तरीका है। भगवान बताते हैं क्या है वो सरल तरीका। मामेव प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंदिते, यदि संसार में भटका हुआ जीव, रात दिन माया में फंसा हुआ जीव यदि मुझे कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है तो तुरंत माया के पर्दे से वो क्या हो सकता है? मुक्त हो सकता है, तुरंत वो मेरा दर्शन कर। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कृष्ण का शरण ग्रहण करना होगा, कृष्ण की कथा सुनना होगा, कृष्ण का नाम लेना होगा, उनकी भक्ति करना होगा, कृष्ण से प्रेम करना, नाम लेना, कीर्तन करना। तो भगवान को देखने के लिए उनकी क्या करनी होगी? हमें भक्ति करनी होगी, कीर्तन करना होगा। ऐसे तो भगवान दिखाई नहीं देंगे और पर्दा भी ऐसे हटेगा नहीं। भगवान के पर्दे को हटाने के लिए हमें कृष्ण का कीर्तन करना पड़ेगा। कृष्ण आप ही भगवान हो, आगे कुंती कहते हैं कि कृष्ण आप ही भगवान हो, आप ही अपने धाम में साकार रूप में विराजमान हो, आप ही परमात्मा के रूप में संसार के हृदय में विराजमान हो, और वही भगवान ब्रह्म के रूप में हृदय में विराजमान। प्रभु आप यत्र तत्र सर्वत्र, आप हर जगह पर, फिर भी आपको संसार के लोग देख नहीं पाते, माया में जो बंधे हुए हैं। इस प्रकार देवी कुंती कहती है कृष्ण इस संसार में आप हो परंतु संसार के लोग आपको देख नहीं पाते, माया में फंसे लोग आपको समझ नहीं पाते। साथ ही साथ परमहंस जो हैं, जो परम हंस हैं, सत्य असत्य को भेद जानते हैं, वो भी आपको नहीं देख पाते। जो रात दिन मनन करते हैं मुनि भी आपको समझ नहीं पाते, तो फिर भगवान को कौन समझेगा भाई? जो ज्ञान
प्राप्त करता है वो भी भगवान को नहीं बोल रहे, परमहंस नहीं समझ सकता आपको, जो रात दिन मनन करते हैं ऐसे मुनिगण आपको नहीं समझ पाते, अमल आत्मनाम भी नहीं जान पाते जो तपस्या करते रहते हैं, अपने आप को शुद्ध भी कर चुके हैं वे भी आपको नहीं जान पाते, तब आपको परमहंस ऋषि मुनि साधु अमल आत्मनाम आपको समझ नहीं पाते, तो मैं मेरे जैसे अवला नारी आपको क्या समझ सकते, कैसे जान सकते। देवी कुंती कहते हैं कि मैं आपको नहीं जानती, परंतु भक्तों देवी कुंती जितना जानती है ना कृष्ण को, उतना और कोई नहीं जानता इस संसार में। आगे वल्क ऋषि भरद्वाज ऋषि में तीर्थराज में प्रयाग में मिले, तब भरद्वाज ऋषि ने कहा कि मैं राम के विषय में कुछ नहीं जानता, लेकिन भरद्वाज ऋषि से ज्यादा राम के विषय में कोई नहीं जानता। वैसे देवी कुंती कहती है कि हे कृष्ण में ज्यादा तो कुछ नहीं जानते, अभी भगवान के विषय में भेद खोल रही है जो, क्या कहती है, हे कृष्ण मैं आपके विषय में ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, बस थोड़ा सा जानती हूँ कि आप साक्षात भगवान हो। देवी कुंती धीरे धीरे करके भगवान के सारे राज को हटा रही है, आप भगवान हो और आप इस पृथ्वी पर प्रकट हो, और हे कृष्ण आप मेरे भाई के पुत्र हो, आप मेरे भाई के पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर आए और मेरे भाई को पिता बनने का सौभाग्य दिया, और इतना ही नहीं सत्य कहूं तो मेरा भाई बहुत भाग्यशाली है, लेकिन उससे भी अधिक सुख आपने मेरी भाभी देवकी को दिया, उनके गर्भ में 9-9 महीने तक आप रहे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और सत्य कहूं ना कृष्ण, अपने देवकी को भी उतना आनंद नहीं दिया, नंद बाबा को उतना आनंद नहीं दिया जितना कि ब्रज में रहने वाले लोगों को दिया, और उससे भी सच कहूं तो उससे मेरे भैया और भाभी से कई ज्यादा सौभाग्यशाली तो नंद महाराज और यशोदा मैया है जिसके घर पर आप खेला करते थे, और कृष्ण उनसे भाग्यशाली तो वो गोप कुमार है जिनके साथ आप खेलने के लिए जंगल में जाया करते। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हे कमल जैसे नाभे वाले कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कमल की माला पहने हुए कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कमल की तरह सुंदर आंख वाले कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कमल की तरह कोमल चरण वाले कृष्ण मैं आपको प्रणाम। देवी कुंती ने भगवान की तुलना कमल से की, अद्यपि देखा जाए तो कमल से भी ज्यादा कोमल सुंदर है भगवान, लेकिन इस दुनिया में कमल जो है सबसे सुंदर है, अतः भगवान की तुलना उनसे कर दी। कमल में तीन गुण है, सुंदर है, कोमल है और खुशबूदार है। भगवान में भी तीन गुण है, सुंदर है, कोमल है और खुशबूदार। देवी कुंती प्रणाम करते हुए भगवान को कहती है कि कृष्ण मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, कृष्ण आप मेरी पग पर रक्षा की, कृष्ण जितनी आपने मेरी रक्षा की उतनी आप तो अपनी माता की भी रक्षा नहीं की, आप उनके गर्भ में 9-9 महीने तक रहे लेकिन फिर भी उनकी रक्षा उतने आपने की, अरे उनके तो 7-7 पुत्रों को मरना पड़ा और मेरे 5 पुत्र जीवित अवस्था, कृष्ण आपने दुर्योधन के भयानक जहर से भीम की रक्षा की, दुर्योधन की लड़ाई हमारे पुत्रों से थी, भीम को उस जहर उस सर्पों की बस्ती से आपने रक्षा की, दुर्योधन ने भीम को जहर पिलाकर समुद्र में फेंक दिया, भगवान की कृपा से भीमदेव नागलोक में गए और वहां पे नागों की प्रेम पाकर उनका आशीर्वाद पाकर 10,000 हाथी का बल लेकर वापस आया, कृष्ण मात्र आपकी कृपा से।
इतना ही नहीं, आपने महालग्ने महाग ने अपनी लक्षा गिरी की आग से हमारी रक्षा की। हे कृष्ण, इतना ही नहीं, वनवास के दौरान दुर्वासा ऋषि के श्राप से आपने मेरी रक्षा की। दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ हमारे पास आए, हमारे पास उन्हें देने के लिए भोजन नहीं था, आपने हमें उनसे रक्षा की, नहीं तो हम कब का दुर्वासा ऋषि के श्राप से ही श्राप से जल कर भस्म हो गए। इतना ही नहीं, हे कृष्ण, कुरुवंश की उस असत सभा में, कहां पर? कुरुवंश की उस असत सभा में, जहां सब लोग असत लोग बैठे, वहां पर आपने हमारे कुलवधु पुत्र वधु की रक्षा की। कृष्ण, यदि आपने द्रौपदी की रक्षा ना की होती तो आज हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। आपकी कृपा से हमारी पुत्रवधी की रक्षा हुई। भक्तों, ये महाभारत का सबसे करुण प्रसंग है। दुर्योधन अपने पक्ष में शकुनी को लेकर द्रुत क्रीड़ा किए और द्रुत क्रीड़ा में पांडवों को हरा दिया और पांडवगण अपने अस्त्र शस्त्र को हार गए, यहां तक कि स्वयं को हार गए और अपनी पत्नी को भी हार दिया। दुशासन को आदेश दिया, द्रौपदी को लाओ। दुशासन द्रौपदी के कक्ष में गए। उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, एक वस्त्र धारण किए हुए थे, स्नान में। दुशासन ने कहा, चलो तुम्हें सभा में बुलाया गया है। द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी ने बार दुशासन ने बार बार कहा कि द्रौपदी तुम्हें बार बार वहां बुलाया गया। हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुशासन ने कहा, द्रौपदी चलो तुम्हें राजसभा में बुलाया गया। द्रौपदी ने कहा, मैं नहीं आ सकती, मैं रजस्वला हूं, मैंने ऋतु स्नान नहीं किया। दुशासन ने कहा, नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, कोई भी कंडीशन में हो तुम्हें जाना ही। द्रौपदी ने बार बार कहा कि मुझे नहीं, मैं नहीं जा सकती इस स्थिति में। दुशासन ने द्रौपदी के बाल को पकड़कर घसीटते हुए कुरुवंश की सभा में लेकर आया और भागवतकारों ने उसी समय ऐलान किया कि दुशासन ने द्रौपदी के बालों को स्पर्श किया। उसी समय दुशासन पूरे कुल समेत अपने आयु को नष्ट कर दिया, पूरे कुल का विनाश निश्चित कर दिया उस समय दुशासन ने, जिस समय द्रौपदी के बाल को हाथ लगा, घसीटते हुए खींचते हुए कुरुवंश की सभा में ले दिया और कुरुवंश की भरी सभा में लाया। दुर्योधन ने आदेश दिया कि इसे नग्न करो और मेरे जंघा पर बिठाओ। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगे। भक्तों, जब दुर्योधन ने आदेश दिया उस समय 40,000 लोग उस सभा में बैठे थे। कितने लोग? 40,000, 40,000 लोग उस सभा में बैठे थे। द्रौपदी सबके पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधा, कुछ नहीं सोचा। पितामह के पास गई, एक एक करके सबके पास गए, फिर पांडवों के पास गई, पर आज उसकी रक्षा के लिए कोई नहीं। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, द्रौपदी अपनी साड़ी को बचाने लगी, अपने हाथ से पकड़ के पकड़ने लगी। विचार कीजिए, हजारों हाथियों का बल रखने वाला दुशासन के सामने अवला नारी का बल कैसे टिक सकता था। द्रौपदी ने देखा कि अब मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तब द्रौपदी ने भगवान को याद किया और उस समय द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया। द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया और द्रौपदी अपने दोनों हाथ को ऊपर करके हस्तिनापुर के लोगों को ललकारते हुए कहते हैं, हे हस्तिनापुर के वासियों, तुम क्या जानो एक नारी का सम्मान क्या होता है? अरे पानियों के बीच में बैठा हुआ द्वारिका में बैठा हुआ मेरा भाई कृष्ण जानता है कि स्त्री का मान क्या होता है। पाही पाही जगतपते, हे द्वारिका में रहने वाले कृष्ण, आप हस्तिनापुर से आइए और आप मेरी रक्षा कीजिए। भक्तों, द्रौपदी ने
अपने आप को भगवान को समर्पित करके दुशासन उसकी साड़ी को खींच रहा है, और उस अवस्था में द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ को ऊपर किया और भगवान को बुलाने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर करके भगवान कृष्ण को पुकारने लगी, हे द्वारिकाधीश हे जगतपते कृष्ण आप आइए और हमारी रक्षा कीजिए। द्रौपदी के शब्द भगवान के कर्ण में गए, भगवान द्वारिका में बैठे हुए थे, जैसे ही द्वारिका में भगवान कृष्ण के कर्ण में द्रौपदी के शब्द गए, भगवान के आठों अंग फड़कने लगा। कृष्ण सोने के सिंहासन पर बैठे थे, रुक्मणी सत्यभामा भगवान की सेवा कर रहे थे, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को पुकारते हुए वहां से कूद गए। भगवान श्री कृष्ण की सेवा सत्यभामा और रुक्मणी कर रही थी, अब भगवान सिंहासन पर बैठे थे लेकिन वहां से कूद गए। कृष्ण दौड़ने लगे, रुक्मणी सत्यभामा कहने लगे कि भगवान कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या हुआ? परंतु आज द्रौपदी को रक्षा करने में भगवान इतने तत्पर है कि जवाब देने का समय नहीं मिल रहा। गरुड़ जी ने कहा, भगवान आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको तुरंत बचा दूंगा। लेकिन आज कृष्ण अपने भक्त की रक्षा में इतने तत्पर है कि गरुड़ की गति भी आज भगवान को धीमी लगने लगी। कृष्ण स्वयं द्रौपदी की रक्षा करने के लिए आकाश में कूद गए, और कूदते हुए भगवान ने वस्त्र को आदेश दे दिया। महाभारत में वर्णन है, आकाश में वस्त्र उड़ रहे हैं, उसके पीछे पीछे कृष्ण दौड़ रहे हैं, उसके पीछे पीछे गरुड़ जी वायु वेग से उड़ रहे हैं। वस्त्र को आदेश दे दिया और वहां दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा। खींचते खींचे दुशासन थक गया, दुर्योधन अपनी जंगा को पीटते रहा कि जल्दी नग्न करो जल्दी नग्न करो जल्दी नग्न करो, दुशासन इतनी देर क्यों हो रही है? परंतु दुशासन खींचते खींचते मुख से एक ही शब्द निकल रहा है कि सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है, सारी बीच नारी है। दुशासन खींचते रहा, हजार हाथियों का बल रखने वाला ये दुशासन के मुख से फेन निकल कर वहां अचेत अवस्था में गिर गया। दुशासन मूर्छित हो गया और उस सभा में द्रौपदी की रक्षा हो गई। सभी सभासदों ने ताली बजाई और भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी की रक्षा की। कृष्ण प्रकट हुए, कृष्ण जैसे ही प्रकट हुए द्रौपदी से कृष्ण रूठ गए, कृष्ण से द्रौपदी रूठ गए और कहने लगे कि यदि आपको मेरी रक्षा करनी ही थी तो इतनी देर क्यों कर दी, इतनी देर से क्यों आए? भगवान थोड़ी देर से आए, द्रौपदी भगवान से रूठी हुई है और भगवान को मना, प्रभु यदि आपको मेरी रक्षा करनी ही थी तो इतनी देर क्यों करती, इतनी देर
आपको कैसे भगवान बोले। हमारे भगवान बोलने में बड़े चतुर हैं। भगवान कहे कि द्रौपदी मैं बस तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा था, लेकिन क्या करो, तुमने कहा कि हे कृष्ण द्वारकाधीश, द्वारका में रहने वाले द्वारकावासी पाई पाई जगतपते, हे द्वारकाधीश आप द्वारका से आइए और मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा था, लेकिन तुमने कहा कि द्वारका से आइए, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे से पहले द्वारका गया और फिर द्वारका से यहाँ आ गया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। तो मैं तुम्हारे वचन का मान नहीं तोड़ना चाहता था कि मैं द्वारका से आऊं, इसलिए मैं द्वारका से आऊं। तो इस प्रकार देवी कुंती भगवान की स्तुति करती है। मैं आपको धन्यवाद करती हूं कि जिंदगी में अनेक विपत्ति आए, आपको धन्यवाद करती हूं कि आपने सब कुछ दूर कर दिया। और इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र की भूमि में कौरवों की सेना समुद्र की तरह विशाल थी और पांडवों की सेना एक नदी नाले के समान थी, परंतु आपने, आपकी कृपा से पांडव जीत गए। भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, कृतवर्मा थे, और पितामह भीष्म अकेले उस सेना को निगल सकते थे, लेकिन फिर भी उस सेना में आपने हमारी रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करती हूं। बहुत सुंदर स्तुति की। तब भगवान ने कहा, हे माते, मैं आपकी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हूं। जब भगवान की इस प्रकार से स्तुति की गई तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। बोले, हे माते, मैं आपकी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हूं, अतः आपको जो चाहिए सो मांग लो। देवी कुंती को कहा कि आपको जो चाहिए सो मांग लो। भक्तों विचार कीजिए, आज हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाए तो और कहे जो चाहिए सो मांग लो, हम तो लंबी चौड़ी लिस्ट बनाएंगे। हैं, एक बंगला टावर चौक के पास दे दीजिएगा, बहुत महंगा जमीन है वहां पे। दो BMW कार दे दीजिएगा, दो मर्सिडीज, एक पर्सनल जेट एयरवेज तो होना ही चाहिए, प्रभु बहुत ट्रैफिक है इंडिया में, और एक हेलीकॉप्टर चाहिए, एक ये चाहिए, एक वो चाहिए है। परंतु आज साक्षात भगवान देवी कुंती को कहती है कि जो चाहिए सो मांग लो। तब देवी कुंती ऐसी चीज भगवान से मांगती है जो आज तक भगवान से किसी ने मांगा और ना भविष्य में कोई ऐसा चीज मांगेगा। कृष्ण ने कहा मांगो मांगो, जो चाहिए सो मांगो। अब जानते भगवान से देवी कुंती ने क्या मांगा? सुख संपत्ति घर आवे नहीं मांगा, ओम जय जगदीश हरे कष्ट मिटे तनका भी नहीं बोला। क्या बोले? विपदा संतुता शश्वत्र तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन ये तस्मात यविश भव तस्मात। हे कृष्ण, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बेंजू बेंजू अदि आपको कुछ देना ही है, मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अदि आपको कुछ देना ही है तो मुझे दुख चाहिए, मेरे जीवन में मुझे दुख चाहिए, सुख नहीं चाहिए, खुशी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, माते, मेरे पास तो जो आता है वो कहता है ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति मेरे घर आवे, बाजू वाले के घर में नहीं जाए, बाजू वाले के घर में दुख जाए, मेरे घर पे सुख संपत्ति आवे, और आप बोल रहे हो कि मेरे घर पे दुख आए, क्यों? तब तो दिन कुंती कहते कि प्रभु जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब तब मैंने आपको याद किया,
और जब जब मैंने आपको याद किया आपका दर्शन हुआ। इसलिए प्रभु मुझे दुख चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में बारंबार दुख आए, मैं आपको बारंबार याद करूं और मुझे बारंबार आपका दर्शन होए। और सच कहूं भक्तों, तो दुखी लोग जो भगवान की भक्ति कर सकते हैं ना, वो कभी भी एक सुखी व्यक्ति नहीं कर सकते। बोलते सुखी लोग आपको याद कहां कर पाते, उनके पास समय ही कहां मिलता है। जिसके पास बहुत धन है, रूप है, वो तो अपने रूप को और सुंदर करने में लगा है। जिसके पास धन है वो उस धन को और बढ़ाने में लगा है। आपको याद करने का कहां समय है। धन्य है दुखी लोग जो भगवान को याद करते। हे कृष्ण, जब मुझे दुख आया आपको मैंने याद किया और तब आपने मुझे दर्शन दिया। प्रभु मुझे जीवन में दुख आए ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान मानो प्रश्न करे देवी कुंती से कि मेरे दर्शन करने से क्या मिलेगा। आप बोलती हो दुख चाहिए, क्योंकि दुख से मेरा दर्शन होता है, तो दर्शन करने से क्या लाभ। मैं तो ये ग्वाला हूं, गाय चराते फिरता हूं, मेरा दर्शन करके क्या करोगे तुम। तब देवी कुंती कहते कृष्ण, आपका दर्शन तो इस भवसागर में फंसे हुए जीव को, इस 84 के चक्कर में फंसे हुए जीव को यदि एक बार भी आपका दर्शन कर लेता है तो मरने के बाद फिर से इस संसार का दर्शन नहीं करता है, क्योंकि वह सदा सदा के लिए आपका धाम वैकुंठ का धाम का हो जाता है। इसलिए कृष्ण दुख दे। इस प्रकार भक्तों देवी कुंती भगवान की स्तुति करते हैं। भक्तों ये स्तुति बहुत दिव्य है, अनेक श्लोकों में स्तुति कर रही है देवी कुंती। यही कहा जाए मात्र देवी कुंती की स्तुति पे यदि मैं पूरा एक कथा करूं तो आराम से आप 7 दिनों में 3 घंटा शाम 3 घंटा सवेरे बैठ के सुन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ देवी कुंती की स्तुति को। लेकिन हमारे पास समय कम, इस देवी कुंती की स्तुति को यहां पे विराम देंगे। जब बार बार भगवान ने कहा कि देव माते कुछ मांगो, कुछ तो मांगो, तब देवी कुंती कि कृष्ण यदि आपको देना है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मति आपकी चरणों में सदा सदा के लिए लगा रहे, मेरी भक्ति आपके चरणों में सदा सदा के लिए लगा रहे। देवी कुंती दृष्टांत देती है, जैसे गंगा प्रचंड वेग से बहती है और समुद्र में मिलती है, वैसे मेरी भक्ति प्रचंड वेग से बढ़े और आपके चरणों में गिरे। जैसे देवी गंगा प्रचंड वेग से बहती है और जाकर अंत में समुद्र में मिलती है, वैसी मेरी प्रचंड वेग से मेरी भक्ति आपके चरणों में बढ़ी और प्रचंड वेग से। देवी कुंती ने भगवान की भक्ति को वरदान को स्वीकारा और भक्त माता कुंती की स्तुति को सुनकर भगवान इतने खुश हुए इतने प्रसन्न हुए कि जो कृष्ण हस्तिनापुर जाने के लिए गाड़ी पर सवार हो चुके थे, रथ पर बैठ चुके थे, ओ स्तुति को सुनकर इस गाड़ी से उतर गए और फिर से हस्तिनापुर में रुक गए। वही रुक गए भगवान, बोले अभी मैं कुछ दिन और यहां रहूंगा। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में रुक गए और रुक कर देखा कि युधिष्ठिर महाराज को बहुत शोक है। महाराज युधिष्ठिर बहुत ही शोक कर रहे, बोले शोक का कारण महाभारत का युद्ध। हालांकि ये युद्ध महाराज युधिष्ठिर जीत चुके थे, इस संसार में कोई राजा कोई युद्ध जीतता है या कोई नेता चुनाव जीतता है तो बहुत बड़ा बड़ा रैलियां फेस्टिवल्स मनाते हैं। युधिष्ठिर महाराज इस दुनिया के सबसे बड़े युद्ध को जीत लिया, राजा बने सबसे बड़े राज्य का, और राजा बनने के बाद उनका मन नहीं लग रहा था। महाराज का मन शोक में पड़ गया। युद्ध के पहले अर्जुन को शोक हुआ और युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को शोक हुआ। युद्ध के पहले
अर्जुन को शोक हुआ और युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर को शोक हुआ, परंतु अर्जुन का जो शोक था उसे तो भगवान ने गीता का ज्ञान देके दूर कर दिया, लेकिन इनका दुख दूर नहीं। अनेक ऋषि मुनि आए, नारद जी आए, वेद व्यास जी आए, यत्री ऋषि आए, देवल ऋषि आए, परंतु इनका जो दुख है ना वो दूर नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने के बाद भी इनका दुख दूर नहीं हुआ। कृष्ण भी समझाए लेकिन इनका दुख दूर नहीं। बार बार कृष्ण समझाने के लिए जाते थे परंतु इनका दुख दूर नहीं होता। कृष्ण कहे, महाराज आप शोक मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि आपने जो युद्ध किया वो धर्म युद्ध था और धर्म युद्ध में पाप नहीं लगता। फिर भी युधिष्ठिर महाराज शोक में बने रहे। कृष्ण ने अनेकों तर्क दिए परंतु युधिष्ठिर महाराज नहीं माने। तब श्री कृष्ण ने कहा, महाराज आपको तो इस संसार में एक ही व्यक्ति बना सकता है और वो है गंगा पुत्र भीष्म। कृष्ण की इच्छा थी कि भरत पुंग पितामह भीष्म उपदेश प्रदान करें, क्योंकि गंगा पुत्र भीष्म जैसे विख्यात अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का जिसने पालन किया है, ऐसे महापुरुष यदि भक्ति का उपदेश देगा तो संसार के लोग इसे स्वीकार करेंगे। और इसलिए भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के सुख को दूर नहीं होने दिया। कृष्ण ने कहा, महाराज महाराज युधिष्ठिर कुरुवंश का सूर्य यस्त होने जा रहा है, महाराज इसके पहले आप पितामह के पास जाओ और जाकर सभी धर्म के बारे में ध्यान ग्रहण करो। कृष्ण का प्रस्ताव युधिष्ठिर महाराज को अच्छा लगा। युधिष्ठिर महाराज जाने के लिए तैयार हुए। कहते युधिष्ठिर महाराज अकेले नहीं गए, उनके साथ उनके चार भाई, साथ में द्रौपदी भी चले। तदाते भारत सर्वे सश्वेत स्वर्ण भूषित उच्च कोटि घोड़े के रथ पे सब चढ़ने लगे। उनके साथ व्यास देव जी, ऋषिता, अन्य लोग भी आए। भगवान अपि विप्रेष रथेन सधंजय, भगवान भी श्री कृष्ण की रथ पर सवार होकर पीछे पीछे अर्जुन के साथ चलने लगे। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज अत्यंत राजसी लग रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। भगवान कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्म देव के पास जाकर राजसी ठाट बाट से जाएं, जिससे वे अंतिम समय में इन्हें देखकर प्रसन्न हुए। हरे कृष्णा। आप लोग बैठ जाइए, खड़े क्यों, बैठ जाइए, आप इधर आके बैठ जाइए, अपने स्थान पर बैठ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे। तो महाराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के साथ वहां पधारे। भगवान कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्म देव के पास जाए, राजसी ठाट बाट जाए, जिससे अंतिम में इन्हें देखकर प्रसन्न होवे। युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म से ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, ये बात सारे संसार में वायु वेग से पता चल गया। यह सुनकर समस्त ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ उस सभा में उपस्थित हो गए। पांचों पांडव यत्र तत्र देवप्रतत कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां पर पितामह भीष्म ससैया पर, वान की सैया पर सोए हुए थे, पहुंच गए। अपने प्रिय पितामह को देखकर पांचों पांडव सिमट कर दुपक कर बैठ गए। पितामह की स्थिति को देखकर पांडव के आंखों में आंसू आ गए। पितामह ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज को शोक हो रहा है और पितामह के मुख से निकल पड़ा, अभी नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम राम।
महाराज भीम की भीष्म देव की इस हालत को देखकर युधिष्ठिर महाराज समेत पांचों पांडवों की आंखों से अश्रुओं की धारा और पितामह के मुख से निकल पड़ा, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद युष्म धर्मनंदन जीव तुम नहर्ति क्लिष्ट विप्र धर्म अच्युत आश्रय। ये कितने कष्ट की बात है, ये कितने अन्याय की बात है कि बेटा तुम्हारे जीवन में दुख आए, साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं कितनी अन्याय सहा है तू। इस संसार में जिसने विप्र ब्राह्मणों का आश्रय लिया, इस संसार में जिसने धर्म का आश्रय लिया और इस संसार में जिसने अच्युत कृष्ण का आश्रय लिया, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। और तुम्हें इन तीनों के आश्रय में रहते हुए तुम्हारे जीवन में दुख आया, ये बड़ी अन्याय की बात है। किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं तो उसके तीन कारण होते हैं, मातृदोष पितृदोष और कर्म दोष। तुम्हारे जीवन में ना तो मातृदोष है क्योंकि तुम्हारी माता परम सती है, तुम्हारे जीवन में ना तो पितृदोष दोष है क्योंकि तुम्हारे पिता धर्मात्मा महाराज पांडव। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कर्म का दोष है पितामह। पितामह ने कहा युधिष्ठिर ये तुम्हारा भी दोष नहीं है, युधिष्ठिर ये तुम्हारा दोष नहीं, क्योंकि यदि तुम्हारा दोष होता तो कृष्ण कभी भी तुम्हारे पक्ष में नहीं होते। जिसके पक्ष में कृष्ण है मतलब वहां दोष नहीं, आज कृष्ण तुम्हारे साथ है मतलब तुम्हारा कोई दोष नहीं। आज तब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि पितामह तो फिर हमारे जीवन में क्या दुख है, ये दुख कैसे आया। आज भी कुछ भक्त अपने मन में प्रश्न लाते हैं, मैं भगवान की इतनी भक्ति करता हूं, मंदिर जाता हूं, रोज जप करता हूं, मंगला आरती करता हूं, फिर हमारे जीवन में दुख क्यों है। इसका उत्तर आज भरत पुंगव पितामह भीष्म कारण बताते हुए कहते हैं, बेटा अरे तुम मुझसे पूछो तो इसका एक ही कारण है। क्या वो कारण क्या है? तो कहते कृष्ण की इच्छा। बोले बेटा तुम्हारे जीवन में दुख है इसका एक ही कारण है, वो है कृष्ण की इच्छा। बोले कृष्ण की इच्छा, कृष्ण तो हमारे पक्ष में तो फिर वो दुख क्यों जाएंगे। तो पिता माँ ने कहा कि ये कृष्ण की इच्छा को कोई भी नहीं जान सकता है बेटा, कृष्ण की लीला को कोई नहीं पहचान सकता, बड़े बड़े महात्मा संत भी चकरा जाते हैं। बेटा ये कृष्ण कभी भी अपने भक्तों की दुख देते हैं तो कभी उनके दुख को हर लेते हैं, अपनी इच्छा से ये उन्हें दुख देते हैं, फिर इसे क्यों दुख देते हैं? ये सोचकर भगवान दुख देते हैं कि जब मेरे भक्त के जीवन में दुख होगा तो मुझे याद करेगा और जब मुझे याद करेगा तो इसी जीवन में वो मुझे प्राप्त कर लेगा। ये सोचकर भगवान अपने भक्त को दुख देते हैं। अतः भगवान इसलिए बेटा कृष्ण की इच्छा समझकर अब तुम राजा बने हो तो अपने शोक को त्यागो, दुख को त्यागो। तब मानो युधिष्ठिर महाराज पूछे कि हम कृष्ण की इच्छा क्यों माने, कौन है ये कृष्ण, कृष्ण है कौन है? तब पितामह भीष्म लाखों लोगों के बीच में ऐलान करते हैं, क्या ईश्वर भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन माया लोकम गुण चरती वृष्णशु। बेटा ये कृष्ण कौन है जानना चाहते? पितामह भीष्म सर सैया पर लेटे हुए, पानों की सैया पर लेटे हुए और उंगली दिखाते हुए ऐसे हाथ दिखाते हुए कहते हैं क्या, ईश्वरी भगवान साक्षात
ये साक्षात भगवान है और यही सबके आदि है। आद्यो नारायण पुमान, यही सबके आदि है, यही सबके अंत है, नारायण के आदि ही है, यही सबके ईश्वर है, यही साक्षात नारायण है। पितामह भीष्म लाखों लोगों के बीच ऐलान कर दिया कि कृष्ण ही भगवान है। हमारे मन में भी प्रश्न होता है कि हम भगवान कृष्ण को क्यों भगवान माने, वो कौन है? एक तो छोटे से बच्चे गाय चराते हैं, कभी नदी में स्नान करते हैं, कभी कूदते फांदते हैं, ये भगवान कैसे हो सकता है? तो बंसी बजाते रहता है, ये कैसे भगवान हो सकता है? तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण ही भगवान है और बाकी क्या है? ये देवी देवता है। चलिए अब इसे समझने के लिए एक भौतिक एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको। जैसे हमारे भारत में क्या है, लोकसभा है। क्या है? लोकसभा, जहां पे मंत्रीगण है ना, मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ओ पानी के लिए वाटर मिनिस्टर, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर, बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर हैं। और उनका हेड कौन है? उनका हेड कौन है? प्रेसिडेंट। वो जब तक कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। उसके पास कोई डिपार्टमेंट है? प्रेसिडेंट आराम से रहता है, उसके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। उन्होंने क्या किया है, एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उसके अंदर कुछ 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 डिपार्टमेंट्स बांट दिए। जो सुरक्षा के मंत्री हैं उन्हें सुरक्षा मंत्री बना दिया, जो पानी के हैं उन्हें जल मंत्री बना दिया, जो विद्युत के विद्युत मंत्री, ऐसे करके अलग अलग मंत्री बना दिए। भगवान ने भी जब सृष्टि की रचना की तो उसके लिए अलग अलग मंत्री बनाए। जैसे इंद्र देवता कौन है? वर्षा मंत्री है, ठीक है। ऐसे ही करके वरुण देवता कौन है? समुद्र के मंत्री हैं। पवन देवता कौन है? पवन के मंत्री है। ये सब क्या है? देवी देवता है। और इनके ऊपर ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है। इनको भी अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया। ब्रह्मा जी को दे दिया सृजन करना है तुम्हें, नारायण विष्णु को दे दिया क्या, तुम्हें पालन करना है, रक्षा करना है, ये डिफेंस मिनिस्टर हो गए। अभी भोलेनाथ को क्या दे दिया, संहार करना है। ऐसे करके इन्होंने मिनिस्ट्री बांट दी और ये खुद आराम से है। ये देवी देवता है, भगवान नहीं है। आपने कभी सुना पवन भगवान? नहीं सुना होगा। ब्रह्मा भगवान? कभी नहीं सुना होगा। कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, राम भगवान है। ये क्या है? देवी देवता है। तो क्या कह रहे हैं पितामह भीष्म? यीशुवे भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान है। और पितामह की दृष्टि कृष्ण के ऊपर चली गई और पितामह भीष्म कहने लगे, कृष्ण आप मेरे निकट आओ, आप मेरे सामने खड़े हो। कहते सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम वरिदम हिनोमहम प्रसन्तारुण लोचनुलशत मुखां वजोध्या न पता चतुर्भुज। पितामह भीष्म कहते हैं, हे देवताओं के भी देव, क्या कह रहे, हे देवताओं के भी देव, हे भगवान, चतुर्भुज रूप उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर ऋतु से सजाए मुस्कुराते हुए कमल मुख वाले मेरे भगवान, हे कृष्ण आप मेरे सामने खड़े हो जाए और प्रतीक्षा कीजिए। कृष्ण ने कहा आपके सामने खड़ा रहूं, कब तक खड़ा रहूं? कले वरयम वदिदम हिनोम्यहम, जब तक मैं अपने शरीर को त्याग ना दूं तब तक खड़े रहे, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। तब मानो भगवान श्री कृष्ण कहे, मैं आपके सामने खड़ा हूं, किस पोज में खड़ा रहूं, किस स्टाइल में खड़ा रहूं, किस स्थिति में खड़ा रहूं? पितामह भीष्म कहते हैं कि हे कृष्ण
आप अपने स्वाभाविक स्थिति में खड़े हो, क्योंकि भगवान हमारे बहुत स्टाइल जानते खड़े होने के लिए। आप भगवान के अनेक विग्रह देखे होंगे लेकिन एक स्टाइल कहीं नहीं दिखा होगा। भगवान कभी ऐसे करके खड़े, कभी ऐसे करके, कभी ऐसे करके खड़े, ये भगवान का स्टाइल। भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के सामने खड़े हैं और पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करते हैं। आइए हम भी बड़े भाव से प्रेम से स्तुति करें। इति मति रूप कल्पिता वित्रिष्णा भगवती सात्वतपोंगवे विभूमने। इति मति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती सात्वतपोंगवे विभूमने। ससुकमुपगते क्वचितवेतुं प्रकृतिमुपेयुषिया प्रवाहा। ससुकमुपगते क्वचितवेतुं प्रकृतिमुपेयुषिया प्रवाहा। इति मति रूप कल्पिता वित्रिष्णा भगवती सात्वत पोंगवे विभूमने। पितामह भीष्म कृष्ण को स्तुति करते हुए कहते हैं, कृष्ण कृष्ण आज मैं मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा हूं और आज जब मैं आपके प्राण को त्यागने जा रहा हूं, अपने प्राण को त्यागने जा रहा हूं, तो मन में एक चिंता है। भगवान ने कहा, क्या चिंता है तुम्हारे मन में? तब पितामह भीष्म ने कहा, मेरी एक कन्या है और वो कन्या बिल्कुल कुंवारी है। हे कृष्ण, मैं जाने से पहले इस कुंवारी कन्या का विवाह कराना चाहता हूं। भगवान ने कहा तुम्हारी कन्या है। अभी तो थोड़ी देर पहले हमने सुना था कि भगवान ब्रह्मचर्य थे, अब क्षमा कीजिए, भीष्म पितामह तो ब्रह्मचर्य थे, फिर तुम्हारी कन्या कहां से आई? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका बहुत सुंदर अर्थ करते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, कोई और नहीं, मेरी मति, मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है और आज मेरे मृत्यु के समय मेरी मति रूपी कन्या मैं आपके चरणों में सौंपना चाहता हूं। मैं आपके साथ अपने मति का विवाह कराना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा, आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कराना चाहते हैं, मेरे बारे में जानते भी हैं, मैं कौन हूं? बोले, हां प्रभु, आप साक्षात भगवान हो और आप अपने धाम से इस पृथ्वी पर आए हो और आप जैसे पृथ्वी पर आए इस पृथ्वी का प्रवाह प्रारंभ हो गया। बोले, अच्छा, अब मेरे बारे में जान भी लिए, परंतु आपने अपनी बेटी को पूछा कि वो मेरे साथ शादी करना चाहती है? क्या आपकी बेटी की इच्छा है कि वो मेरे साथ शादी करे? आपकी बेटी मुझे पसंद करती भी है? जब भगवान ने ऐसा पूछा तो पितामह भीष्म बोले कि कृष्ण, दुनिया में आपको कौन प्राप्त करना नहीं चाहता है? तीनों लोग, तीनों भुवन में रहने वाले सब लोग आपको पाने की कामना करते, इसलिए कहते हैं, त्रिभुवन कमलम तमाल वरनम रविकर गौर बराम्बरा ददाने। त्रिभुवन कमलम तमाल वरनम रविकर गौर बराम्बरा ददाने। वपुरल कुकला पितान नाब्जम विजय सखे रति रास्तु में नवाद्या। वपुरल कुकला पितान नाब्जम विजय सखे रति रास्तु में नवाद्या। त्रिभुवन कमनम तमाल वरनम
रवि कर गौर बराम्बरे दधाने। हे कृष्ण, तो तीनों लोकों में रहने वाली आपकी कामना करते हैं, क्या आप इतने सुंदर हो कि तीनों लोकों में रहने वाले सब लोग आपकी कामना करते हैं। आपका सुंदर स्वरूप है घनश्याम वर्ण का, उसमें भी पीतांबर लहरा रहा है। कृष्ण, आप तो सुंदर हो ही, परंतु जब आप अपने भक्तों की रक्षा करते हो तो आपकी सुंदरता और बढ़ जाती है। कृष्ण, सत्य कहूं तो आपकी वास्तविक सुंदरता तो मैंने देखा है। कृष्ण, आज आपके मन में होगा कि आज ये पितामह आपके चरणों में प्रेम मांग रहा है, भक्ति मांग रहा है, फिर ये दुर्योधन के पक्ष से क्यों युद्ध किया? कृष्ण, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, परंतु दिल की बात आज मैं आपसे कह रहा हूं। यदि मैं आपकी पक्ष से अर्जुन की तरफ से युद्ध करता तो मात्र आपकी पीठ को देखता। दुर्योधन के पक्ष में इसलिए रहा क्योंकि मैं आपका फेस टू फेस दर्शन कर सकूं और आपकी सुंदरता का आस्वादन कर सकूं। ये अर्जुन ने क्या देखा है? आप आगे बैठे थे, ये अर्जुन तो पीछे था। इसने क्या देखा? इसने तो मात्र आपकी पीठ ही देखी ना, परंतु कृष्ण, मैंने तो आपके मुखमंडल को देखा और बस इसलिए मैं दुर्योधन के पक्ष से युद्ध कर रहा था। कहने के तो लोग बहुत कुछ कहते कृष्ण, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही का। और कृष्ण, जब आप अपने भक्त की रक्षा करते हो ना, तब तो आपकी सुंदरता और भी सुंदर लगती है, देखने वाली होती है। पितामह भीष्म को आज उस दिन की याद आ रही है जिस दिन भगवान ने अर्जुन की जान की रक्षा की और पितामह की प्रतिज्ञा की रक्षा की। समय हो चुका है, समय की मर्यादा को मैं लांघना नहीं चाहता। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की आरती अति पावन पूरा पुराण की दार। मेरे पीछे पीछे गाना है। धर्म भक्ति विज्ञान कान की, धर्म विज्ञान कान की, महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख परमानंद सुदारसमय पल, लीला रति रस रस निदान की, लीला रति आरती अति पावन पुराण की, आरती
कलिमल मतनी त्रिताप निवारिनी कलिमल जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सोम हो सदि हरि चरित गान के सोम हो आरती यति पावन पुराण के आरती परमहंस मुनि मन उल्लासिनी पर रशि करि दय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती यति पावन पुराण की आरती हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे झूमते हुए नाचते हुए हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपा नित्य गौर हरि मो हरि मो हरि मो हरि मो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण।